नमस्कार दोस्तों, सिविल डिफेंस भिलाई में आपका स्वागत है। आज मैं बताऊंगा नॉटिंग के बारे में। तो नॉटिंग करने से पहले आपको रोप को जो तीन हिस्से होते हैं उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि उसका जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो रोप जिसको हम यूज़ करते हैं उसमें जो सबसे टॉप का हिस्सा जिसको हम पकड़ के नॉटिंग करते हैं उसको बोलते हैं रनिंग हेड। ये देखिए मैंने ये रोप बनाया, ऐसा वो लपटा हुआ है और ये नीचे पड़ा हुआ है। ये दूसरा छोर है और ये छोर वो है जिसको हम लेके कोई भी नॉट बांधते हैं। तो इस हिस्से को बोलते हैं रनिंग एंड। और जो खड़ा हुआ हिस्सा है नीचे, इसको बोलते हैं स्टैंडिंग पार्ट। तो दोस्तों ये स्टैंडिंग पार्ट है। और जो तीसरा हिस्सा है, जो दूसरा छोर, इसको डेड एंड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तीन भागों में बटे रहता है। तो दोस्तों ये है रनिंग एंड जिससे नॉटिंग करते हैं, और ये स्टैंडिंग पार्ट जो लटका हुआ होता है, ये थर्ड जो है डेड एंड, जो तीसरा छोर है। दोस्तों अब बता रहा हूँ मैं थंब नॉट। इस वीडियो में हम सीखेंगे थंब नॉट और फिगर ऑफ एट नॉट, जो कि मिलता जुलता है, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ सम्मिलित किया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो हिस्सा होता है ऊपर का हिस्सा को रनिंग एंड बोलते हैं और बाकी हिस्से को हम स्टैंडिंग पार्ट बोलते हैं। तो रनिंग एंड को हमने ये ऊपर रख दिया, किसके, स्टैंडिंग पार्ट के ऊपर। तो अभी मैंने ऊपर रखा, लेकिन जब निकालना रहेगा, इसके होल से गुजारना रहेगा, तो मैं नीचे जाऊंगा। पहले ऊपर गया तो नीचे, अब उल्टी दिशा से मैं इसमें अंदर प्रवेश करूंगा और ये खींच दूंगा। तो ये बन गया थंब नॉट। थंब नॉट का जो अदर नेम्स है आपके स्टॉपर नॉट और ओवरहैंड नॉट। स्टॉपर नॉट किस लिए किया जाता है, क्योंकि हम इसके छोर में लगाया जाते हैं, रोप के छोर में, मतलब एंड में लगा दिया हमने, ताकि ये कभी भी जो रोप के रेशे हैं वो ना खुले, इसके जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो खुल जाते हैं धीरे धीरे, तो वो ना खुले, इसके लिए हमने क्या किया कि इसके रोप के छोर में लगाया जाता है ताकि ये स्टॉप करता है। इसके अलावा इसका ओवरहैंड लूप से हमने नॉट बनाया, इसलिए ओवरहैंड नॉट भी कहते हैं। और इसका प्रयोग जैसे देखा जाए तो मल्टीपल थंब नॉट, जो रोप क्लाइंबिंग के वक्त काम आता है और उतरने के लिए चढ़ने के लिए ग्रिप बनाता है रोप में। इसके अलावा हम बकेट नॉट में भी इसका प्रयोग देखते हैं। बकेट नॉट को शुरुआत में बनाने से पहले एक थंब नॉट बना के ही बांधा जाता है। चलो दोस्तों अब हम आते हैं फिगर ऑफ एट नॉट। फिगर ऑफ एट नॉट भी सेम टू सेम ऐसे ही है। और इसमें क्या होता है कि जो स्टैंडिंग पार्ट के ऊपर रनिंग एंड को ऊपर रख दिया फिर से मैंने पहले जैसे। इसके बाद उसमें थंब नॉट में नीचे से जाना होता था, लेकिन अभी ऊपर रखा हूं तो ऊपर से ही जाना है, इसलिए मैं एक चक्कर लगाऊंगा इसको ऐसे, फिर ऊपर जाऊंगा। ऊपर से इस क्षेत्र में गुजारा, इस प्रकार से यह बन गया फिगर ऑफ एट। यह भी सेम उस ज़्यादा भरोसेमंद है, उससे थंब नॉट से ज़्यादा अच्छा काम करता है, खुलता जल्दी नहीं है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसको रेशे रोकने के लिए, रेशे खुलने से रोकने के लिए रोक के, इसके अलावा भी हम लोग रैपलिंग में इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा जगह जगह पर जरूरत के अनुसार इसका होता है।